पांडवों का भीष्म जी से मिलकर उनके वध का उपाय जानना। संजय ने कहा, दोनों सेनाओं में अभी युद्ध हो ही रहा था कि सूर्यदेव अस्ताचल पर जा पहुंचे। संध्या के समय लड़ाई बंद हो गई। भीष्म के बाणों की मार खाकर पांडव सेना भय से व्याकुल हो हथियार फेंककर भाग चली। इधर भीष्म जी क्रोध में भरकर महारथियों का संहार करते ही जा रहे थे तथा सोमक क्षत्रिय हारकर अपना उत्साह खो बैठे थे। यह सब देख और सोचकर राजा युधिष्ठिर ने सेना को पीछे लौटा लेने का विचार किया और युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद आपकी सेना भी लौटा ली गई। भीष्म जी के बाणों से पीड़ित हुए पांडव जब उनके पराक्रम की याद करते थे तो उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। भीष्म जी भी सृंजय और पांडवों को जीतकर कौरवों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए शिविर में चले गए। रात्रि के प्रथम प्रहर में पांडव, वृष्णी और सृंजयों की एक बैठक हुई। उसमें सब लोग शांत भाव से इस बात का विचार करने लगे कि अब क्या करने से अपना भला होगा। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, श्री कृष्ण, आप महात्मा भीष्म जी का भयंकर पराक्रम देखते हैं ना? जैसे हाथी नर कुल के वन को रौंद डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेना को कुचल रहे हैं। धधकती हुई आग के समान इन भीष्म जी की ओर हमें आंख उठाकर देखने तक का साहस नहीं होता। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है, परंतु कुपित हुए भीष्म पर विजय पाना असंभव जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठानकर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूँ। कृष्ण, अब मेरा विचार है वन में चला जाऊं, वहां जाने में ही अपना कल्याण दिखाई देता है। युद्ध की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि भीष्म निरंतर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। जैसे जलती हुई आग की ओर दौड़ने वाला पतंग मृत्यु के ही मुख में जाता है, उसी प्रकार भीष्म के पास जाने पर हम लोगों की दशा होती है। वासुदेव, हमारा पक्ष क्षीण हो चला है। हमारे भाई बाणों की चोट से बेहद कष्ट पा रहे हैं। भ्रातृ स्नेह के ही कारण हमारे साथ ये भी राज्य से भ्रष्ट हुए। इन्हें भी वन वन भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण द्रौपदी ने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन, मैं जीवन को बहुत मूल्यवान मानता हूँ और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है। इसलिए चाहता हूँ अब जिंदगी के जितने दिन बाकी हैं, उनमें उत्तम धर्म का आचरण करूँ। केशव, यदि आप हम लोगों को अपना कृपा पात्र समझते हो, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे अपना हित हो और धर्म में भी बाधा न आवे। युधिष्ठिर की यह करुणा भरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज, आप विषाद न करें। आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अर्जुन और भीम तो वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं। नकुल, सहदेव भी बड़े पराक्रमी हैं। आप चाहें तो मुझे भी युद्ध में लगा दें। आपके स्नेह से मैं भी भीष्म से युद्ध कर सकता हूँ। भला आपके कहने से मैं युद्ध में क्या नहीं कर सकता? यदि अर्जुन की इच्छा नहीं है, तो मैं स्वयं भीष्म को ललकार कर कौरवों के देखते-देखते मार डालूंगा। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको अपनी विजय दिखाई देती है, तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो पांडवों का शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु है। जो आपके हैं, वे मेरे हैं और जो मेरे हैं, वे आपके भी हैं। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी तथा शिष्य हैं। आवश्यकता हो
तो मैं इनके लिए अपने शरीर का मांस भी काट कर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि एक दूसरे को संकट से बचाएंगे। अतः आप आज्ञा दीजिए, आज से मैं भी युद्ध करूँगा। अर्जुन ने उपलव्य में जो सब लोगों के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का वध करूँगा, उसका मुझे हर तरह से पालन करना है। जिस काम के लिए अर्जुन की आज्ञा हो, वह मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। अथवा भीष्म को मारना कौन सी बड़ी बात है? अर्जुन के लिए तो यह बहुत हल्का काम है। राजन, यदि अर्जुन तैयार हो जाएं, तो असंभव कार्य भी कर सकते हैं। दैत्य और दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाएं, तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं। फिर भीष्म की तो बिसात ही क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कहते हैं, वह सब ठीक है। कौरव पक्ष के सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग सह नहीं सकते। जिसके पक्ष में आप जैसे सहायक मौजूद हैं, उसके मनोरथ पूर्ण होने में क्या संदेह है? गोविंद, जब आप रक्षा के लिए तैयार हैं, तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी जीत सकता हूँ। भीष्म की तो बात ही क्या है? किंतु अपने गौरव की रक्षा के लिए मैं आपको अपना वचन मिथ्या करने के लिए नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही मेरी सहायता करें। भीष्म जी भी मेरे साथ शर्त कर चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं करूंगा, पर तुम्हें हित की सलाह दिया करूंगा। वे मुझे राज्य भी देने वाले हैं और अच्छी सम्मति भी। इसलिए हम सब लोग आपके साथ भीष्म जी के पास चलें और उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछें। वे अवश्य ही हमारे हित की बात बताएंगे। जैसा कहेंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पिता मर गए और हम लोग निरे बालक थे, उस समय उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। माधव, वे हमारे पिता के पिता हैं, वृद्ध हैं, तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। धिक्कार है क्षत्रियों की ऐसी वृत्ति को। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी राय मुझे पसंद है। आपके पितामह देवव्रत बड़े ही पुण्य आत्मा हैं। वे केवल दृष्टि मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं। अतः उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए। इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म के शिविर में गए। उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण हैं। तब भीष्म जी ने उन सबको देखकर कहा, वासुदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मराज, धनंजय, भीम, नकुल और सहदेव का भी स्वागत है। मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो? यदि कोई कठिन से कठिन काम हो तो भी बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करने का यत्न करूंगा। भीष्म जी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे, तो राजा युधिष्ठिर ने दीनता पूर्वक कहा, प्रभो, जिस उपाय से यह प्रजा का संहार बंद हो जाए वह बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बता दीजिए। वीरवर, इस युद्ध में हम आपका वेग कैसे सह सकते हैं? हमें तो आप में तनिक भी असावधानी नहीं दिखाई देती। जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का विनाश करने लगते हैं, उस समय कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस कर सकता है? दादाजी, हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई। अब बतलाइए, कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं?